डियर स्टूडेंट्स असलकम जैसे कि इंग्लिश में से हमारा ग्रामर ग्रामर के पोर्शन में से हमारा टेंसेस चल रहा है लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस में से परफेक्ट टेंस और आज आपसे डिस्कस करने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीनस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीनस टेंस जो है ये इसकी पहचान क्या है ये हमारे लिए कितना अहम है तो यकीनी तौर पर यह वो सेंटेंस है जिसके लास्ट में टाइम आता है उससे पहले सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि सिंस और फॉर यानी टाइम ड्यूरेशन या पीरियड को शो करता है तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स को इसका भी शायद आइडिया नहीं होता तो सिंस बेटा जिसके स्टार्टिंग टाइम का हमें पता हो जैसे मॉर्निंग है मेरे जहन में आ गया है मॉर्निंग सुबह के वक्त को कहते हैं इवनिंग 1990 2010 मंडे ट्यूसडे जनवरी दिसंबर फाइव ओ क्लॉक थ्री ओ इसके स्टार्टिंग टाइम का मुझे पता है फॉर वहाँ लगाते हैं जिसके नो स्टार्टिंग टाइम हम नहीं जानते कौन सा स्टार्टिंग टाइम है टू डेज पता नहीं कौन से दो दिन तो बेटा स्टूडेंट जिन जिसके स्टार्टिंग टाइम का पता ना हो टेन डेज फाइव डेज थ्री मंथ्स हाफ एन आवर तो उसके साथ हम फार लगाते हैं तो ये शायद आपको इजीली समझ आ गया होगा तो बेटा हम इसके फार्मूले को देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कि सब्जेक्ट ही तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है Has, उसके साथ बीन लगता है बेटा देखिए ये एक टेंस नहीं है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये दो टसेज हैं तो हैज परफेक्ट की वजह से लगा और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म जो लगती होती है वो बीन लगी है बी वाज और बीन बी फर्स्ट फॉर्म वाज सेकंड फॉर्म और बीन थर्ड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब इनके साथ ये लगेगा हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगेंगी क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस टेंस है इसलिए आई जी वाली फॉर्म लगेगी उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा उसके बाद सिंस और फॉर लगेगा उसके बाद जो भी हमारा टाइम होगा वो लगेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो कैसे होगा ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर टेन टेन ईयर्स तो यू दे वी आई प्रोनाउन के साथ फॉर्म

था पॉजिटिव सेंटेंस जिसकी एग्जाम्पल जिसका फार्मूला आपके सामने पेश किया जाता है तो so नेक्स्ट हम जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ तो यकी तौर पर सेम फार्मूला है सिर्फ हमारे पास ही शिंगल के साथ हेज लगता है, के लगाना है बच्चों से मिस्टेक होती है वो हैज बीन के बाद नोट लगाते हैं तो स्टूडेंट हैज के बाद नॉट फिर बीन

तो हैज ही शियट के साथ फिर बीन फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर उसके बाद टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हैव यू दे आई वी प्रूव अनाउंस के साथ बाकी सेम तो हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर टेन ईयर हैज शी बीन वॉशिंग विद क्लॉथ सिंस मॉर्निंग हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हैज अली बीन बाइंग हिज बाइंगलॉथ फॉर टू आवर्स हैव यू बीन इंजॉयिंग द पार्टी फॉर थ्री डेज

what has she been washing her clothes since morning? where has it been raining since morning? when has ali been buying his clothes for two hours? where have you been enjoying the party for three days? why have they been sending this gift since 2010? why have i been going to mari since 2005? how have ali and ahmed been taking exams for five years? तो स्टूडेंट ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपने बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है तो स्टे ट्यून स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज